हाय एवरीवन, आज हम लोग सेकंड टेट्राहेड्रल इक्वेशन के बारे में समझेंगे। देखिए, ये वाले जो इक्वेशन है गिब्स पैराडॉक्स को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि मैंने आप लोगों को गिब्स पैराडॉक्स क्या है बताया था, है ना। अगर नहीं पता तो मैं एक लाइन में आप लोगों को समझा देता हूँ। उसको सॉल्व करने के लिए बेसिकली ये वाला इक्वेशन इस्तेमाल किया जाता है। गिब्स पैराडॉक्स क्या है, जो एडिटिव क्वांटिटी है एंट्रोपी का, है ना, वो अगर हम लोग क्लासिकल एंट्रोपी एक्सप्रेशन को कंसीडर करके चले, है ना, और एंट्रोपी को एडिटिव क्वांटिटी शो करने की कोशिश करें, तब शो नहीं होता। यानी कि ध्यान से देखो, ये वाले जो है, मान लीजिए एंट्रोपी एक्सप्रेशन, तो क्लासिकल एंट्रोपी एक्सप्रेशन मैंने आप लोगों को बताया था, उसको अगर हम लोग कंसीडर करके चले और एंट्रोपी को एडिटिव क्वांटिटी शो करने की कोशिश करें, यानी कि मान लीजिए एस ए प्लस एस बी, ये शो नहीं होता है। साथ में क्या आ जाता है, इसके साथ एक क्वांटिटी आ जाता है 2nkLn2। इस वाले को हम लोग क्या कहते हैं, गिब्स पैराडॉक्स कहते हैं। यानी कि होना चाहिए थे क्या, एस ए बी इज इक्वल टू एस ए प्लस एस बी होना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या, ट्वाइस एन के एल एन टू साथ में ऐड हो गया, जो कि नहीं होना चाहिए था, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, गिब्स पैराडॉक्स कहते हैं। ठीक है ना, तो ध्यान से समझना। तो यहाँ पर देखिए, करेक्शन करने के लिए हम लोग को दो करेक्शन करने की जरूरत है। क्लासिकल एंट्रोपी की एक्सप्रेशन पर एक चीज करने की जरूरत है, और यहाँ पर जो थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी है डब्ल्यू, इसे भी कुछ करेक्शन करने की जरूरत है। पहले क्या था थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी डब्ल्यू पर, यहाँ पर था, पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। यहां पर पहले था W इज इक्वल टू कैपिटल N फैक्टोरियल, साथ में ये वाला टर्म, है ना, लेकिन यहां पर करेक्शन करने के बाद क्या होगा, ये जो कैपिटल N फैक्टोरियल है, ये हम लोग को चाहिए नहीं, ये हम लोग को चाहिए नहीं, बस क्या चाहिए, W इज इक्वल टू ये वाला टर्म, यानी कि कैपिटल N फैक्टोरियल को हम लोगों ने हटा दिया। और जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, है ना, जब लॉग वगैरह लगाएंगे और सॉल्व करेंगे, क्लासिकल एंट्रोपी एक्सप्रेशन निकालेंगे, तो इसमें क्या होता है, N फैक्टोरियल को हम लोगों ने हटा दिया, तो ये वाला हम लोग के पास पहले से था, लेकिन करेक्शन करने के बाद N फैक्टोरियल को हम लोग को हटाना पड़ेगा, तो माइनस कर देना पड़ेगा N फैक्टोरियल, साथ में इस पर के तो लगेंगे, ठीक है ना, कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इसे हम लोग इक्वेशन नंबर वन दे देते हैं, और इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, बस हम लोग को क्या करना है, जब बस ln n फैक्टोरियल के जगह पर इसका वैल्यू पुट करना है। कहाँ से मिलेंगे, स्टर्लिंग्स फार्मूला से मिलेंगे, जो कि मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया था, ठीक है ना। स्टर्लिंग्स फार्मूला क्या कहता है, ln n फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है, n ln n माइनस n, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, इस एच क्यूब को मैं अगर अंदर डालूंगा तो क्या हो जाएंगे, ए स्क्वायर हो जाएंगे। बस मैंने यहाँ पर ये चेंज किया, एच स्क्वायर को मैंने अंदर डाल दिया, यानी कि एच क्यूब को अंदर डालेंगे तो एच स्क्वायर हो जाएंगे, जिसकी वजह से स्क्वायर और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, बचेंगे एच क्यूब एच डी जेड, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, माइनस एन के एल एन एन को मैंने आगे लिख दिया है, प्लस थ्री बाई टू एन के को मैंने बाद में लिखा है, माइनस माइनस प्लस एन के को मैंने यहाँ पर लिखा है। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, प्लस फाइव बाई टू एन के होगा। और यहाँ पर देखिए, ये जो लॉग का क्वांटिटी है, ये लॉग का क्वांटिटी क्या है, माइनस में है, तो लॉग का क्वांटिटी अगर माइनस में होता तो डिवाइड हो जाते, तो वी बाय डिवाइड हो गया, और ये वाला जो इक्वेशन मिला, इसे हम लोग क्या कहते हैं, सेकंड टेट्राहेड्रल इक्वेशन कहते हैं। यानी कि इसे देखिए, अगर हम लोग इस वाले को कंसीडर करके अब जो एंट्रोपी को एडिटिव क्वांटिटी है उसे शो करने की कोशिश करें, तब शो हो जाएंगे। यानी कि जो पहले वाला क्लासिकल एंट्रोपी एक्सप्रेशन था, उसको अगर हम लोग कंसीडर करके एंट्रोपी को एडिटिव क्वांटिटी शो करने की कोशिश करते थे, तब गलत हो रहा था, गिब्स पैराडॉक्स आ रहा था, है ना। तो इसे देखते क्या होता है, जब हम लोग v इज इक्वल टू 2v और n इज इक्वल टू 2n कंसीडर करते थे, उस पर भी, है ना, क्लासिकल एंट्रोपी के एक्सप्रेशन और गिब्स पैराडॉक्स पढ़ते समय, अगर मैं v इज इक्वल टू 2v और n इज इक्वल टू 2n कंसीडर करता, तब ये वाला आ रहा था। लेकिन इसको कंसीडर करके और देखते क्या होता है, क्या करेंगे, बस यहाँ पर n के जगह पर 2n होगा, है ना, v के जगह पर 2v होगा, n के जगह पर 2n होगा, और साथ में n के जगह पर 2n होगा। दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 को मैंने बाहर रख दिया, और अंदर जो कुछ भी बचा एग्जैक्टली क्या है, s के बराबर है, एग्जैक्टली s के बराबर है। तो मैंने s a b इज इक्वल टू ट्वाइस s लिख दिया, और ट्वाइस s मतलब क्या, s a plus s b, s plus s एंट्रोपी के प्लस एंट्रोपी, ठीक है ना। और ये हम लोग को प्रूफ करता है कि जो एंट्रोपी है वो एडिटिव क्वांटिटी है, और अगर हम लोग सेकंड टेट्राहेड्रल इक्वेशन इस्तेमाल करें तभी ये पॉसिबल है। तो आई होप लोग यहाँ तक समझ गए, कुछ भी डाउट तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।